अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, परभणी महानगर पालिका के उप आयुक्त जगताप, परभणी महानगर पालिका के डॉक्टर कल्पना सावंत, परभणी महानगर पालिका के और दूसरे डॉक्टर सचिन बायसकर, इन सब ने मिलकर परभणी महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली NGOs, आशा वर्कर्स, नर्सेस, स्वयंसेवी संस्थाओं के संस्था चालक, इन सभी की आज परभणी शहर के बी रघुनाथ सभागृह में दोपहर 1 बजे मीटिंग ली और कोविड-19 का डर लोगों के दिल से निकालने के लिए आह्वान किया और किस तरह से नागरिकों के दिल से कोविड-19 का डर पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और निकाला जाए। और कोविड-19, अगर आप कोरोनाग्रस्त तो हो रहे हैं तो आप पर किस तरह से इसका इलाज किया जाएगा ये भी बताया गया। और आप लोगों से भी आह्वान है कि आप जब भी आपके पास कोई टीम, परभणी शहर महानगर पालिका की टीम अगर आपके पास चेकिंग के लिए आए, आपकी सेहत चेक करने के लिए आए, तो ब्राह्म मेहरबानी उस टीम को आप कोऑपरेट करें और अपने सदस्य, अपने घर के किसी भी सदस्य को छूटने ना दें। हर किसी का चेकअप कराए और इलाज ज़रूर कराए। इस कोविड-19 को इंडिया से पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना है, ख़त्म करना है, ऐसा लक्ष्य परभणी से ही शुरू हो जाना चाहिए, परभणी शहर महानगर पालिका से ही शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा परभणी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने कहा है। कांग्रेस तालुका अध्यक्ष पंजाबराव देशमुख ने आज परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुगळीकर साहब को एक निवेदन दिया और निवेदन में ये मांग की है कि जिन किसानों का बारिश की वजह से नुकसान हो गया है, जिन किसानों की फसल ख़राब हो गई है, जिन किसानों का सोयाबीन का पूरी तरह से नुकसान हो गया है, ऐसे और दूसरी अलग तरह की जो भी इनकी फसलें हैं किसानों की, इन सभी फसलों का जो नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, ये इन सभी के नुकसान भरपाई दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन पंजाबराव देशमुख ने परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुगळीकर साहब को दिया है। जबकि परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुगळीकर साहब और गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे, इन लोगों ने रविवार को ही 27 सितंबर 2020 को ही गंगा पालम के राव राजूर गांव में जाकर जायज़ा लिया कि किस तरह का हाल यहाँ के किसानों की फसलों का है, किस तरह का नुकसान किसानों का हुआ है। इसका जायज़ा परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुगळीकर साहब ने आमदार रत्नाकर गुट्टे साहब इनके साथ में जाकर लिया। ये ताज्जुब की बात है कि पहली बार एक प्रशासकीय अधिकारी जो जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार अधिकारी कीचड़ में जाकर, बैलगाड़ी में जाकर, गांव खेतों में जाकर, पानंद रास्ते से जाकर ऐसी सिचुएशन का जायज़ा लिया, जबकि ऐसे अधिकारी कीचड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुगळीकर साहब, लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि ऐसे भी अधिकारी होते हैं कि जाकर देखते हैं कीचड़ में कि किस तरह का नुकसान किसानों का हुआ है। परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुगळीकर साहब की तारीफ हो रही है पूरे परभणी शहर में इस बात को लेकर। हाँ भाई, जिल्ह्यामध्ये या गेल्या 25 दिवसामध्ये सततचा जे पाऊस पडला, त्या पावसामुळे शेतकऱ्याचं खरीपाचं, फळबागेचं आणि भाजीपाल्याचं अतोनात नुकसान झाले। त्या नुकसान भरपाई कुठलेही पंचनामे न करता त्वरित आदेश देऊन शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्यात यावे, याकरता आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आणि ओला दुष्काळ जाहीर करून ओल्या दुष्काळाचे जे निकष आहेत, शेतकऱ्याचं पीक कर्जावरील व्याज माफ, पीक कर्ज माफ, लाईट बिल माफ, शेतकऱ्याच्या मुलांच्या फीस माफ, अनेक जे दुष्काळाचे निकष आहेत त्या निकषानुसार सवलती लागू करावे आणि त्वरित कुठलीही वेळ न लावता विमा कंपनीला आदेश देऊन
शेतकऱ्याने भरलेला विमा आणि शासनाकडून जास्तीत जास्त शेतकऱ्याला अनुदान मिळालं पाहिजे याच्याकरता आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिले. कोरोना वायरस के चलते जानवरों में अब लंपी स्किन की बीमारी पाई गई थी, उसके बाद अब क्राइमिंग कंगो नाम की भी बीमारी जानवरों में पाई जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं. गोछड़ियाँ जानवरों की जख्म पर गोछड़ी बैठने से, गोमासी बैठने से, मच्छर बैठने से ये बीमारी फैल रही है. आप इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि जो इस बीमारियों से ग्रस्त जानवर है, ऐसे जानवरों का दूध सेवन करने से बचें और ऐसे जानवरों का मांस सेवन करने से भी आप लोग ख़ास तौर से बचें. ये बीमारियां बड़ी ही ख़तरनाक है. ये बीमारियां जानवरों के ज़रिए से इंसानों में घुसने की कोशिश कर रही है. इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी महामारी पैदा कर दी है. इस महामारी से ही हम अभी तक निपट नहीं पाए, उसके चलते अभी दूसरी तीसरी बीमारी जानवरों में भी पैदा हो गई है. इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें. अपने परिवारजनों का अगर आपको ख्याल है तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो जानवर ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है, ऐसी बीमारियों से ग्रस्त जानवरों का दूध पीने से, सेवन करने से भी बचे रहें और अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा ज़रूर करें. मैं हूँ सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. कौन आला विकला मामा? किसको भी काय बोले? मोबिन हाजमी. बर हाजी खुरेश. मोबिन हाजी खुरेश जी ना? त्यांना विकला का? त्यांना विकला? नाही नाही, ते लंपी बीमारी दिसायली ना त्याला. काय बीमारी दिसायली त्याला? ते आले ना. काय त्याला विकला मोबिन हाजी? बर. अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें. ये उनका पता है, साई क्लिनिक वो नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी. डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी. मोबाइल नंबर 9890090925. सेकेंड नंबर 9420621924. परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगळीकर साहब ने 26 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, लेकिन जनता कर्फ्यू का किसी तरह से परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगळीकर साहब को रिस्पांस नज़र नहीं आया. परभनी के व्यापारी और परभनी की जनता ने इस बात को ठुकरा दिया है कि हम किसी तरह का कोई जनता कर्फ्यू नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगळीकर साहब ने जनता से आह्वान किया है कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने चेहरे को मास्क ज़रूर लगाएं. आप मास्क लगा कर ही बाहर निकलें. उसके साथ जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन ज़रूर करें, और उसी के साथ में किसी जगह पर आप जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, तो अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें. जब तक आप अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं करेंगे, कोरोनाग्रस्त होने से नहीं बच पाएंगे. इसके लिए याद रखें, अपना, अपने परिवार वालों का, अपने परिवारजनों का और अपने दोस्त अहबाबों का ख्याल रखें. आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही अपने हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क लगा कर ही बाहर निकले. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. परभनी आज तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें. आपकी आवाज़ परभनी आज तक. आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सैयद अकील.